अहमदाबाद बॉम्बे हाईवे के ऊपर और मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद से कन्याकुमारी विद बजाज एवेंजर क्रूज 220। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ये जर्नी हमारी बहुत मेमोरेबल रहेगी क्योंकि ये सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिप है मेरे लिए अपने एवेंजर के ऊपर। तो भाई प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। तो अभी बज रहे सुबह के 6:55 और हमने ट्रिप जो है जीरो सेट कर दिया है और 17,056 किलोमीटर अभी का स्टार्टिंग है। तो देखते हैं अभी कितना टोटल जो है हमारा ड्राइव होता है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं निकल रहा हूँ अपनी राइड के लिए अहमदाबाद टू कन्याकुमारी। तो नीचे से जो है मैं तैयार हो चुका हूँ। और ये रहा मेरा राइडिंग जैकेट, हेलमेट सब रेडी है। सो ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका है और मैं हूँ निकलने के लिए तैयार। सॉरी, अभी 6:10 हुआ है तो 6:30 और 7:45 तक निकल जाने का कंफर्म किया है। सर तो 6 बजे निकलना था लेकिन रात को लेट सोया और सुबह में थोड़ा देरी हो गया। तो आराम से जाएंगे क्योंकि आज पहुँचना है अहमदाबाद टू वापी, जो कि 8-9 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। तो आराम से मजे से जाएंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को सारे वीडियो पूरे देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लिव लाइफ, बाय बाय। तो मैं आई गया अंदर रिकॉर्डिंग में, बगासा खाता तो आई गया हो तो पढ़ आई गई कैमरा ला के लो अंदर सर्विलेंस में आई गया। चलो चलो मलिए, ओके, जय श्री राम, जय हनुमान, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे सुबह के 7:13 और मैंने अपना जो राइड है वो स्टार्ट कर दिया है मेरे घर से। और आप सबको पता है कि मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद से कन्याकुमारी ऑन माई बजाज एवेंजर क्रूज 220। रूट सेट कर दिया है जाने का। सो आज तो वापी में ही रुकना है। ये मेरा सेकंड लॉन्गेस्ट राइड है मेरी चैनल पे आफ्टर लद्दाख। और ज़्यादातर लोग मुझे नैनो से ही जानते हैं तो इसके लिए ये वीडियो के एंड में सारे मैं अपनी लद्दाख ट्रिप के वीडियो रखूँगा क्योंकि लद्दाख मेरा फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिप था 18 दिन के लिए। ये मेरा सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिप है 20 दिन के लिए। तो जैसा नैनो में आपने प्यार और सपोर्ट दिया था बिल्कुल वैसा ही प्यार और सपोर्ट इसमें देना, और कुछ नहीं चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और फर्स्ट टाइम चैनल में वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ आई एंटर्ड इन रिवर फ्रंट और बच्चे सुबह के 7:30 यानी 7:30 हो गए और मैं रिवर फ्रंट पे आ गया हूँ। रिवर फ्रंट के बाद थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहेगा, जब तक हम नारोल सर्कल क्रॉस नहीं करेंगे तब तक थोड़ा ट्रैफिक रहेगा। नारोल सर्कल के बाद जेतलपुर हाईवे आ जाएगा सीधा मुंबई, अहमदाबाद मुंबई हाईवे। तो वहाँ पे आप रॉक कर सकते हो, बहुत ही स्मूथली जाएगा। अभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहेगा क्योंकि निकलते लेट हो गया, अगर 6 बजे निकल जाता तो इतना भी ट्रैफिक नहीं होता। पर कोई बात नहीं, संडे है तो इतना नहीं रहेगा रूटीन से ज़्यादा। अभी जैसे हम हाईवे टच करेंगे तो मैं फिर से आपसे बातचीत करूँगा, तब तक आप ये साबरमती रिवर फ्रंट का आनंद लीजिए। देखो सुबह सुबह निकलते हैं तो ऐसे राइडर्स मिलते हैं और ये दूर से ही पता चल जाता है बाइक की आवाज़ से। और ये 3-4 लोग हैं जिनके पास ज़्यादा लगेज नहीं है, तो कभी कभी जो ग्रुप होता है वो संडे राइड्स ऐसे करते हैं, कहीं थोड़ा बहुत हाईवे पे जाके वापस आ जाते हैं। मुझे उसी तरह से लग रहा है आवाज़ से। सो फाइनली वी आर ऑन द हाईवे, अहमदाबाद बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे जेतलपुर। अभी देखो बाबा चलाने का मजा आएगा, मस्त स्पीड में जाओ, अच्छी सी एवरेज लो,
और आगे बहुत सारे राइडर्स का ग्रुप था, पता नहीं शॉर्ट राइड थी लॉन्ग राइड थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेटअप वेयर किया था उसके हिसाब से लगा के लोकल राइड है। पर करीबन 15-20 लोग होंगे, तो मुझे जो लोग रिवर फ्रंट पे मिले थे मुझे वही लगा कि वो लोग वहाँ पे ही इकट्ठा होंगे और साथ में राइड करेंगे, यानी शॉर्ट राइड टाइखेड़ा गए, नडियाद गए, आनंद गए या बड़ौड़ा जाके वापस आ गए। तो अगर सब झुक झुक करके जाएंगे तो डेफिनेटली मुझे क्रॉस करेंगे, क्योंकि अपने तो चिल करके जाना है, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से मज़े करके जाना है। होटल बुकिंग सो जस्ट अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद जो है हमारी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट गिनो या लंच गिनो वो कंप्लीट हो गया है, अभी बज रहे सुबह के 11:10 और जो होटल है वो मैंने बुक कर दिया है, वापी में है और उसका ड्यूरेशन बता रहा है 3:41, 210 किलोमीटर, यानी 3 बजे तक जो है मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, आराम से ही जाना है और सीधा वहाँ पर स्टे करना है, कभी कहीं भी नहीं रुकना है, सीधे ही जाना है बिना रुके अपने डेस्टिनेशन पे, सीधा स्टे करेंगे। आलू परोठा मंगाया था और 2 चाय, 130 रुपया जो है उसका टोटल बिल हुआ, पर आलू परोठा जो था उसका कलर गजब का था, एकदम काला काला। तो मैंने उसको बोला कि अफ्रीका से लाए हो तुम, तो वो हंसने लगा। तो जस्ट अभी मैं खड़ा हूँ भगवाड़ा टोल नाका, और यहाँ से मेरा जो स्टे है वो 9 मिनट दूर है और 7 किलोमीटर है, और टाइम बता रहा है 2:48 पे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और अब तक जो टोटल किलोमीटर कवर किया है वो 372.2 है और टाइम हुआ है 2:38। तो यहाँ पे थोड़ा पानी पियेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे और वहीं जाके बातचीत करेंगे। तो मैंने सोचा कि कब से पानी नहीं पिया है तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए पर मेरे को प्यास जो है कम लगती है। तो अब देखो कितना पानी पिया अभी तक मैंने, ML का बोतल है और अभी तक कितना पानी इसके अंदर है, मतलब बहुत ही कम पानी पिया है मैंने। तो पानी पी सो फाइनली आई रीच एट माई होटल, और अब तक क्या किलोमीटर होता है 379.3 और टाइम हुआ है 2:51 दोपहर के। अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल के रूम के अंदर। कौन से फ्लोर पे? 202। लुक लग रहा है किलर लुक, गर्मी गर्मी। सो दिस इज माय रूम विच आई ऑक्यूपाइड एंड थर्ड टाइम आई केम हियर इन दिस होटल एंड बिकॉज आई नो इट इज वेरी नाइस, सी द वॉश एरिया। फाइनली आई रीच एट द होटल, और अभी तक जो मैंने गेटअप मेरा चेंज नहीं किया है, तो फटाफट कपड़े बदल देते हैं, राइडिंग गियर्स निकाल देते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर बातचीत करते हैं आगे के बारे में। तो राइडिंग गियर्स निकाल दिए है और यहाँ पे रख दिया है सब कुछ, बैग बैग थैला अपना, हेलमेट, और अभी नहा लेते हैं थोड़ा मस्ती से एकदम, उसके बाद रेडी हो जाते हैं और आपके लिए वीडियो एडिट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब तक मैंने टोटल कितना किलोमीटर आज के दिन में कवर किया और कितना टाइम लगा, वो सब डिटेल में आपको इस वीडियो में अपडेट मिलेगा। तो बाय, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। टिल देन सी यू सून, बाय बाय फॉर टुमारो।